मसले पर बीजेपी का समर्थन किया, वहीं कांग्रेस पर करारा वार भी किया। माया ने कहा कि कश्मीर में हालात सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा, इसलिए विपक्षी दलों को अभी इंतजार करना चाहिए। सदन में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का समर्थन करने वाली मायावती ने अब कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। मायावती ने ट्वीट करके कहा कि बाबा साहब कभी भी 370 के पक्ष में नहीं थे। देश में संविधान लागू होने के बाद अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद अब वहां हालात सामान्य होने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, इसका थोड़ा इंतजार किया जाए तो बेहतर है। मायावती ने कहा कि बिना अनुमति कांग्रेस और अन्य पार्टियों के नेताओं को कश्मीर नहीं जाना चाहिए था। क्या ये केंद्र और गवर्नर को राजनीति करने का मौका नहीं देता है? सभी पार्टियों को थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। वहीं मायावती ने ट्वीट करके कहा कि देश में भीषण गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, कर्मचारियों की देश भर में हो रही छटनी और तनाव, हिंसा आदि से पीड़ित देश के करोड़ों मेहनत कश लोगों को तत्काल राहत देने के लिए दीर्घकालीन उपायों के साथ साथ तत्काल राहत और रोजगार देने वाले कदम उठाने की भी जरूरत है। मायावती ने अपील की कि केंद्र सरकार इसे पूरी गंभीरता से ले। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इधर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश